क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय, जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दें। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। Hello students, welcome to Preprize online classes. As we had discussed earlier about nutrition, today we are going to start our new topic, digestive system in human beings. Before doing that, there are some steps which are involved in digestion. Kuch aise steps hain jo digestion mein involved hote hain. These steps are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अब इंजेशन क्या है? इंजेशन का मतलब है इनसाइड, खाने को अंदर लेना। कैसे लेते हैं? माउथ के थ्रू। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रोकन यानी तोड़ना। एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेट ट्रांसपोर्ट करना। और इजेशन टेकिंग आउट। क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें डाइजेशन के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इंजेशन कि खाने को हम इनसाइड कैसे लेते हैं, प्लेट में खाना पड़ा है, हाथ से जब तक हम माउथ में नहीं डालेंगे तो डाइजेशन की प्रोसेस शुरू नहीं होगी। तो इंजेशन का मतलब है इनसाइड द माउथ थ्रू अवर हैंड्स। जब खाना अंदर चला गया उसके बाद उस खाने को तोड़ना, वो सारी प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। जब खाना टूट गया तो जितना भी हमने खाना खाया है वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? एनर्जी की फॉर्म में। और ये एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में जो एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन यानी जो एनर्जी हमने ले ली है उसको ट्रांसपोर्ट करना, और जो बच गया, जो हमें नहीं चाहिए, उसको कहीं ना कहीं से बाहर निकालना। दीज आर द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। हम एक एक स्टेप को जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे इस डायग्राम और इस प्रोसेसेस के थ्रू। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले सबसे बड़ी डेफिनेशन है डाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया कि डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना यानी ब्रोकन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सॉल्यूबल फॉर्म। अब वर्ड, दो वर्ड्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड एंड सॉल्यूबल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? फूड कैसा कॉम्प्लेक्स है? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था न्यूट्रिशन, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। तो जो हम खाना रोज खा रहे हैं इट कंप्राइजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जिसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है न्यूट्रिएंट्स। जो हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये सारा फूड जो हम खा रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में टूटना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो हम डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले सकते, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। फैट्स जो ले रहे हैं उससे हमें मिलते हैं फैटी एसिड्स। मतलब हर एक न्यूट्रिएंट को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये जो डाइजेशन है इसके पूरे इस सिस्टम को करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। उस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को सबसे पहले हम बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या लेकर चलता है? एक एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज माउथ, सेकेंड इज ईसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब पार्ट्स ऑफ, सबसे पहले ये तो हमारे पार्ट्स हैं कि एक सिस्टम में हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, माउथ, ईसोफेगस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो इस काम को करने में हेल्प करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। मैं आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ये कई बार हम क्या करते हैं ऊपर नीचे स्टेप्स को लिख देते हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हैं ये सारे स्टेप्स या जो जितने भी पार्ट्स के नाम है उसको स्टेप वाइज लर्न करें, ताकि हमारे लिए ईजी क्या हो जाएगा, हमें अगर एक एक स्टेप, हमें एक एक पार्ट अगर हम स्टेप वाइज लर्न करेंगे तो हमें अपने सिस्टम प्रॉपरली याद हो जाएगा, हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब हम एक एक सिस्टम को या एक एक पार्ट को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेती हूँ मैं माउथ। अब माउथ के अंदर क्या है, माउथ के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, नोटिस करते हैं, टीथ एंड टंग। जब हमने खाना अंदर मुंह में डाला, अब सबसे पहली प्रोसेस कौन सी चली, इंजेशन, जिसमें हम खाना अंदर डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं, थ्रू आवर हैंड्स। तो सबसे पहले माउथ के अंदर जो दो पार्ट्स हैं टीथ एंड टंग वो काम करते हैं। टीथ, टीथ में क्या, हमारे चार तरह के टीथ हैं, इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, चार दांत होते हैं, चार सेट्स हैं। जैसे कि इंसीजर्स, अगर हम देखें हम कोई भी फ्रूट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, सबसे पहले हम बाइट करते हैं, बाइट करने के बाद उसको साइड पे टीयर करते हैं, छोटा छोटा काटते हैं और हल्के से उसको ग्राइंड और च्यू करने के बाद हम उस खाने को कहाँ भेजते हैं, फूड पाइप में। टीथ मैंने आपको बताया इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जब ये खाना हमने मुंह के अंदर डाला तो ये चारों टीथ्स ने उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा, ब्रोकन करेगा। और टंग, सेकेंड पार्ट आता है टंग। टंग का काम क्या होता है, एक तो हम बोलते हैं टंग की हेल्प से, सबसे पहला टंग हमें बताता है टेस्ट, टेस्ट बताना है, जो हमें खाने का टेस्ट कैसे पता चलेगा, टंग से। टंग के अंदर होते हैं टेस्ट बड्स, क्या होते हैं, टेस्ट बड्स। कौन कौन से टेस्ट बड्स होते हैं, स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी। स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, ये हमारे टेस्ट बड्स हैं। जब हम हमने खाना डाला, मैंने अभी आपको टीथ बताए, इंसीजर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। टीथ और टंग, टंग हमें टेस्ट बड्स बताएगी और टीथ च्यू करने में, जब खाना च्यू हो जाएगा तो जो हमारी ये बक्कल कैविटी है, एक दो मिनट हमारा खाना वहाँ पर रहेगा और उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। नाउ कम टू दिस डायग्राम। माउथ से खाना जब जा रहा है आपके इसोफेगस में, यानी आपकी फूड पाइप में, एक चीज याद रखना, फूड पाइप से पहले होती है विंड पाइप, ये ग्रीन सी लाइन, फिर उसके बाद होती है हमारी फूड पाइप। जब खाना माउथ से फूड पाइप पे जाता है तो यहाँ पे एक फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटस। ये एपिग्लॉटस क्या करता है, नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सेकेंड के लिए हमारी सांस जो है वो रुकती है, क्यों, जो एपिग्लॉटस है वो फूड को माउथ से सीधा फूड पाइप तक पहुंचाता है। अगर गलती से खाना विंड पाइप पे चल जाए तो ये एपिग्लॉटस एकदम से फ्लैप को ऑफ करेगा और फटाफट ये खाना वापस फूड पाइप पे भेजेगा। जब माउथ से खाना फूड पाइप से गया, फूड पाइप से ये सीधा कहाँ चला जाएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक के भी तीन पार्ट्स हैं, ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक, मिडल पार्ट को हम बोल देते हैं फंडस, और ये जो पार्ट है बीच वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। क्या हुआ, जब खाना माउथ से यूसोफेगस से सीधा स्टमक में जाता, अब जब खाना यूसोफेगस में होगा तो खाना सीधा नहीं जाता है, खाना जाता है, एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मैं इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मींस ज़िगज़ैग मूवमेंट।
पहले खाना, जैसे ये खाना यहाँ पे गया तो पहले यहाँ पे थिनिंग होगी, फिर थिकनिंग, यानी ये जो आपकी यूसोफेगस है इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये मसल्स जो हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कभी रिलैक्स होगी। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ यूसोफेगस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये यहीं पे नहीं होती है, ये पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पे डाइजेशंस होते हैं वहाँ पे सारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ही होती हैं। जब खाना स्टमक में गया, स्टमक में क्या है, कार्डिक। अब स्टमक के पास देखो, ऊपर के पार्ट को हमने बोला कार्डिक, बीच के पार्ट को हमने बोला फंडस, और उसके बाद हमने बोला पाइलोरी। कार्डिक क्या है, कार्डिक से मतलब होता है हार्ट। इट मीन्स कि जो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक है दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट। नॉर्मली हमने देखा है जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने ऐसे लगता है हैवीनेस लगती है जब तक हम रीजर्जिटेट नहीं करते, क्योंकि जितना भी हमने स्पाइसी फूड खाया अगर कार्डिक में खाना रहेगा तो वो सीधा हमारे हार्ट को ब्लॉक करेगा या हार्ट को अफेक्ट करेगा। ये एक सेकेंड जब तक हमने रीजर्जिटेट किया, रीजर्जिटेट करने के बाद ये खाना सीधा चला गया फंडस, और हमारा खाना स्टमक में 3-4 घंटे रहेगा। यहाँ पे जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो खाने को तोड़ेंगे, और उसके बाद ये खाना पाइलोरिक से होता हुआ, ये जो आप देख रहे हो ये सी शेप्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से खाना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब एक पॉइंट है कि खाना लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों नहीं गया, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों गया, पहले तो बारी आनी चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन की। रीजन क्या है, और एक चीज स्मॉल, इतनी सारी ये लाइंस हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम क्यों पड़ा जबकि ये लाइंस बड़ी हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक डिफरेंस है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो कैलकुलेशंस करते हैं या जो डिफरेंस है दैट इज उसकी विड्थ पे डिपेंड करता है, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ है वो छोटी है और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ जो है वो ज़्यादा है। तो जब खाना ड्यूडेनम से होता हुआ यहाँ पे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन जेजुनम और ईलियम से खाना फिर कहाँ, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक आपकी खाने की पूरी डाइजेशन हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सब कुछ टूट जाएंगे और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे विलाइज होते हैं, विलाइज मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की एरियाज को बढ़ा देंगे। सारा खाना जब एब्जॉर्ब हो गया सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में टूट के एब्जॉर्ब होने के बाद, जो बचा अनडाइजेस्टेड फूड, वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और उसके बाद वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में, और यहाँ पे रेक्टम से फिर वो एनस के थ्रू डिफिएशन हो जाएगा। अब हमने तीन चीज़ें पढ़ी, डाइजेशन मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डाइजेशन जो हो रही है वो हमारी स्टमक में भी हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो हमारा खाना सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में टूटा है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया और इसको स्टोर कर लिया, और ये सारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। और रिजेशन कहाँ से हुई, जितना अनडाइजेस्टेड फूड था वो रेक्टम से होता हुआ एनस से बाहर निकल जाएगा। ये एक सिस्टम है, लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, एक चीज, कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में पहले हम डिफाइन करेंगे। अभी आपको मैंने बताया स्ट्रक्चर्स, उसके बाद अब पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन की प्रोसेस हो कैसे रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माउथ के अंदर मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स हैं, टीथ और टंग। टीथ के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स, एंड मोलर्स। क्या हुआ, जब हमने खाना मुंह के अंदर डाला तो जो हमारे टीथ थे, इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इंसीजर्स होते हैं फ्रंट टीथ जो बाइटिंग के लिए यूज हो रहे हैं, केनाइंस जो टियरिंग के लिए यूज हो रहे हैं। जब खाना गया मुंह के अंदर गया है तो सबसे पहले काटेगा, फिर टियर करेगा, उसके बाद ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। ये खाना जब ग्राइंडिंग और च्यू हो रहा है, और जो टंग है वो क्या दे रहे हैं हमें, टेस्ट।
टेस्ट बड्स के थ्रू हमें टेस्ट बता रहे हैं। इसके साथ अब हमारा एक ग्लैंड भी मैंने आपको बताया था, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइव एक एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट किया तो उसके बाद उसने क्या दे दिया, ये माल्टोज में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, नॉर्मली जब हम खाना खा रहे हैं तो ये जो टीथ और टंग ने, तो हमें टंग ने टेस्ट बड्स बता दिया, टेस्ट बड्स के थ्रू टेस्ट बता दिया, और जब हमारा खाना च्यू हुआ तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा क्या करेगा, खाने को वेट करेगा, और ये सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे खाने को स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, माल्टोज में। यहाँ पे अब एक चीज़ है, सलाइवरी ग्लैंड्स दो कहाँ पे होते हैं, एक तो टंग के नीचे होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स, और एक हमारे दांतों के पास होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये भी ये क्या कर रहे हैं, लिंगुअल ग्लैंड्स मतलब टंग के नीचे हैं तो वो भी सलाइवा सिक्रीट करते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स वो भी सलाइवा सिक्रीट करेंगे, लेकिन वो कहाँ से, मैक्सिला का मतलब होता है जॉज, जॉज के पास भी जो ग्लैंड्स है वो भी सलाइवा। अब जब सलाइवा सिक्रीट हो गया, खाना वेट हो गया, तो वो सलाइवरी अमाइलेज ने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया स्टार्च को। एक चीज़ और नोटिस करेंगे, खाना 1 to 2 seconds ये बक्कल कैविटी के अंदर रहता है। अब उसके बाद जब खाना यूसोफेगस माउथ से जब यूसोफेगस में जाता है, तो मैंने आपको बताया कि एपिग्लॉटस एक फ्लैप है जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकेगा। जैसे वह खाना जो है यूसोफेगस से आपका स्टमक तक जाता है, तो वो कौन सी मूवमेंट से जाता है, मैंने अभी बताई थी आपको मूवमेंट्स, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, टर्म्स लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल से खाना फूड पाइप से कहां चला गया, स्टमक के पास। ये स्टमक अब जो है, स्टमक के पास जो ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। स्टमक में जब खाना गया तो गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, कौन कौन से होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, पहले हम उसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है पेप्सिन, सेकेंड वन इज HCl, थर्ड वन इज म्यूकस। स्टमक ने कौन से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट किए, सबसे पहले पेप्सिन, फिर HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देगा, प्रोटीन्स डाइजेशन में हेल्प कर देगा। उसके बाद HCl, एक चीज HCl का काम क्या है, HCl इज एसिड, एक सेकेंड HCl जो है वो किल्स करता है बैक्टीरियाज को, एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, HCl तभी काम करेगा, पेप्सिन तभी काम करेगा जब पूरा मीडियम स्टमक का क्या होगा, एसिडिक। फिर से बता रही हूँ कि HCl हमारा एसिडिक मीडियम है, जो सबसे पहले तो एक फंक्शन तो हमें पता है कि जो भी हमने फूड खाया है अगर उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करेगा। सेकेंड, पेप्सिन अगर प्रोटीन्स की डाइजेशन कर रहा है तो पेप्सिन तभी वर्क करेगा जब मीडियम जो है वो एसिडिक। और म्यूकस ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज्ड करता है द इफेक्ट ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड मींस कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, अब ये इतना सारा एसिडिक मीडियम है, म्यूकस
खाने को गीला भी करेगा और न्यूट्रलाइज करके एसिड को इफेक्ट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ये तीनों चीज़ें गैस्ट्रिक जूसेस ये हमारे स्टमक में कितनी देर तक चलती है, 3 से 4 घंटे तक। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट या सॉल्यूबल फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं काइम। इससे क्या बनेगा, काइम मींस जितनी भी डाइजेशन है 3-4 घंटे वो सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में जो भी बना है, प्रोटीन्स डाइजेशन किल्स बैक्टीरिया, उसने क्या बना दिया, काइम। ये सारी डाइजेशन कहाँ पे हुई है, स्टमक में। अब स्टमक के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होती है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या है, स्मॉल में अभी हमने डायग्राम में देखा था कि पेनक्रियास जो है वो स्टमक के पीछे होते हैं, फ्रंट में नहीं होते। डायग्राम में हमें दिखता फ्रंट पे है लेकिन वो स्टमक के पीछे होते हैं। ये जो पेनक्रियाट्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। एक और ग्लैंड मैंने आपको बताया था लीवर। लीवर जो है, थोड़ा सा पहले हम लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। लीवर जो है इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सेकेंड, इट सिक्रीट्स बाइल। ये क्या सिक्रीट्स करता है, बाइल जूस। सेकेंड, फिर जो बाइल जूस सिक्रीट हो गया वो कहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर में सिक्रीट हो गया और फिर बाइल डक्ट से होता हुआ, बाइल डक्ट से ये कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शंस क्या करता है पेनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो किसको चेंज करेगा, वो स्टार्च को चेंज करता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की, ठीक है। ट्रिप्सिन वो किसको तोड़ता है, प्रोटीन्स को। और आपका लाइपेज एंजाइम ये ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड्स को। नाउ ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होंगे और ये हमारे पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट कर रहा है स्टार्च को, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ेगा, लाइपेज जो है वो फैटी एसिड्स को तोड़ेगा। एक पॉइंट है कि जब हमारा खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है तो खाना क्या है, एसिडिक। एसिडिक जो है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है तो वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस तभी वर्क करता है जब मीडियम क्या हो, एल्केलाइन। एल्केलाइन मीडियम कब होगा, अब खाना तो एसिडिक है लेकिन पेनक्रियाटिक जूस तो कब वर्क करते हैं, एल्केलाइन मीडियम है। उससे पहले हमने बताया कि लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, ये बाइल जूस जो कहाँ पे स्टोर्ड है, गॉल ब्लैडर से, लेकिन बाइल डक्ट से होता हुआ ये बाइल जूस इस खाने को क्या कर देगा, एल्केलाइन कर देगा। तभी जाकर आपके पेनक्रियाटिक जूसेस वर्क करेंगे और फिर पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट होकर स्टार्च में तोड़ देगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स में तोड़ देगा और लाइपेज फैटी एसिड्स में। यहाँ पे आपकी पूरी डाइजेशन कंप्लीट होती है, मतलब डाइजेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस या डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड चेंजेस इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल फॉर्म। इसके साथ एक और चीज़ है, जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन है वो क्या सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस विच हैव डिफरेंट एंजाइम्स,
और ये डिफरेंट एंजाइम्स क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कंप्लीट कर देंगे या कन्वर्ट कर देंगे, शुगर्स में, आपका प्रोटीन्स को किसमें सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे, दैट इज अमाइनो एसिड्स, एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में। इसमें आपका जो भी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन है वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं, और ये डिफरेंट एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म शुगर्स में चेंज कर देगी, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड्स में। यहाँ पर आपकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो बच गया मटीरियल जो हमें नहीं चाहिए वो कहाँ पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर रहेगा, और फिर रेक्टम और एनस के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा। एनस मींस एनस के पास एक स्फिंक्चर्स हैं, देयर आर सम स्फिंक्चर्स इन द बॉडी सिस्टम, स्फिंक्चर्स, ये स्फिंक्चर्स एक्ट करते हैं लॉक एंड की का, जहां पे जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाना है तो वहां पे भी स्फिंक्चर्स हैं जो थोड़ी देर के लिए खोल देंगे। फिर एनस स्फिंक्चर है कि जब रेक्टम के अंदर आपका अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड है, यहाँ से एनस तभी रिलीज्ड आउट करेगा, इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। ये एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट होता है कि हमारा जो भी खाना या जो भी हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने हैं वो कहाँ से निकालेंगे, वो एनस स्फिंक्टर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और सारा जो वेस्ट मटीरियल है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस, लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, सबसे पहला गिव येलोइश कलर्स टू द यूरिन एज वेल एज फीकल मैटर, सेकंड बाइल जूस जो है वो सबसे ज़्यादा फैट्स को इमल्सिफाई करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करना मतलब फैट्स की ब्रेक डाउन। ये सारा सिस्टम जो है ये है आपका डाइजेशन। सो मुझे अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स मीट, हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा।